नमस्कार, इस वक्त बीकानेर से बड़ी अपडेट आ रही है मौसम को लेकर, क्योंकि बीकानेर में 24 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। भारी बारिश के कारण बीकानेर में जलमग्न हो चुका पूरा शहर। बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके। आप इस वीडियो में देख सकते हो बीकानेर में किस तरह बाढ़ के हालात उत्पन्न हो चुके हैं। सड़कें लबालब हो चुकी है, क्योंकि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण सुबह से ही राजस्थान में भारी बारिश लगातार जारी है और 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीकानेर में सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक 73 mm तक बारिश हो चुकी है, क्योंकि बीकानेर पूरी तरह से डूब चुका है। कई जगहों का मौसम पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन बीकानेर के आसपास के एरियो में काफ़ी तादाद में तूफान, नागौर के आसपास के छठे इलाकों पर तूफान ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। लेकिन आप इस हमारे वीडियो में देख सकते हो किस तरफ बीकानेर की सड़कें पूरी लबालब हो चुकी है, सड़कें से पानी किस तरफ जा रहा है। बीकानेर में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुका है। हालांकि अभी 24 घंटे हो चुके हैं, तो बीती रात को भी बीकानेर के कई जगहों पर हल्की व तेज बारिश, तो कुछ जगहों पर तूफानी बारिश भी देखने को मिली। बीकानेर में मात्र 9 घंटे में 73 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि पिछला रिकॉर्ड 24 घंटे के अंदर 63 mm का है, जो कि 23 मई को 1999 को बना था। आज 73 mm की बारिश ने बीकानेर में एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो मई महीने के इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा बारिश माना जा रहा है। क्योंकि कल 28 मई को राजस्थान के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई, जबकि बीकानेर में आंधी की रफ्तार 83 किमी प्रति घंटे की थी। राजस्थान में अभी भी हल्की व मध्यम बरसात की गतिविधियां देखी जा सकती है। सक्रिय बादलों के कारण अब शाम के बाद आज रात के बीच तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन के साथ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर में कहीं कहीं हल्की व भारी बारिश देखी जा सकती है। मौसम की ताज़ा जानकारी के लिए किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बड़ी जानकारी आपको मौसम की अपडेट रोजाना मिलती रहे। धन्यवाद।